हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर आला म्यूजिक और मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही फैंटास्टिक, आप सभी लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए शायद बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो को यदि आपने देख लिया तो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने गाना बजाना हारमोनियम पे जरूर सीख लिया होगा और अभी आप देख रहे होंगे आपका अगला जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है गाने के बीच का म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक बजाना है। तो दोस्तों, आज मैं रागों से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके सामने इस ट्यूटोरियल में शामिल करूंगा कि राग कितने आवश्यक हैं। ठाट राग सीखना बहुत ही आवश्यक है यदि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर गीत जो भी है, चाहे आप कोई सा भी फिल्मी गीत उठा के देखना, कोई ना कोई राग से जुड़ा हुआ है, राग पर आधारित है। और हमें बहुत बड़ा एक बेस मिल जाता है यदि हम पकड़ लेते हैं कि ये फला फला ठाट पर या राग पर आधारित है गीत, तो हमें एक एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है और हमें कुछ बजाने के लिए हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है कि ये तो मैं इसमें फ्रेज बजाना जानता हूं, ये तो राग मैंने बजाया, ये ठाट बजाया और मैं कुछ बजा सकता हूं। बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है ये सब लोगों के लिए सीखने के लिए। और जितना आप स्टडी करेंगे ठाट रागों की, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं कि राग कोई खराब चीज नहीं है, राग के बिना तो कोई चीज बनी नहीं है, कोई फिल्मी गीत भी नहीं बना, तो आप कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि राग को आज से नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इससे पहले कि आप कोई म्यूजिक धुन उसके बीच में बजाएं, किसी भी गीत में मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने गीत बजाते बजाते कि यह फला फला राग पर आधारित है, तो आपको उससे पहले उस राग के जो छलन है, राग के चलन और राग की जो स्वर संगतियां होती हैं, यानी कि जो उसके जो स्पेशल फ्रेजेज होते हैं, स्वर समुदाय होते हैं, उनको यदि आपने दिमाग में रख लिया और सीख लिया, तो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा कोई भी गाने का म्यूजिक बजाना। आज मैं आपको राग भीमपलासी पर आधारित म्यूजिक बजाना सिखा रहा हूं। मान लीजिए आप भीमपलासी राग बजा रहे हैं, भजन गीत गा रहे हैं, उसके बीच में आप कैसे म्यूजिक बजाएंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो और डाला है जो कि जिसमें मैंने राग भीमपलासी के जो विशेष स्वर संगतियां हैं, राग भीमपलासी पर जो स्वर संगतियां हैं, स्वर कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बारे में एक वीडियो सेपरेटली मैंने डाला हुआ है बना करके, तो आप उसको जरूर देखें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और उसके देखने के बाद आपको बहुत इजी होगा कि आखिरकार म्यूजिक को कैसे बजाया जाता है, ये फ्रेज कैसे ऐड करके। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बजा रहा हूं, सिर्फ राग के चलन और राग के जो स्वर कॉम्बिनेशंस हैं, स्वर संगतियां हैं, बस उन्हीं को मैं बजा रहा हूं और वही सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूजिक होता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन बटन को एक बार दबा दें आप, ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिल सके। राग भीमपलासी के बारे में मैंने उसी वीडियो में आपको विस्तार में बताया है, उसके आरो अवरो, राग की पकड़, बादी संवादी, राग में न्यास के स्वर, ये सब कुछ मैंने उसमें कवर कर रखा है, तो आप उसको जरूर देखें, लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप कोई गीत भजन गा रहे हैं और वो राग भीमपलासी का गीत है, तो उसके बीच में आपने कोई म्यूजिक फ्रेज, अब आपके दिमाग में इतने मैंने म्यूजिक फ्रेज बताए, 10-12 म्यूजिक फ्रेज बताए हैं, यानी कि स्वर संगतियां, कि आप चाहें तो आप 10 तरह के म्यूजिक बजा सकते हैं उसको देख करके। आज मैं उन्हीं स्वर संगतियों को लेकर के एक म्यूजिक आपको बजा के बता रहा हूं, आप देख सकते हैं।
बजाया और आप अपनी इच्छानुसार यदि ताल कहरवा है तो कहरवा में बजा सकते हैं, दादरा ताल है तो दादरा ताल के अनुसार उसको बजा सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बहुत सुंदर म्यूजिक है, इस म्यूजिक को मैं आपको ताल के साथ बजा के बताता हूँ, ताल कहरवा पर। जो मैंने बजा के बताया, मैंने इससे पिछला जो वीडियो में जिसकी मैंने चर्चा की है अभी कि स्वर संगतियां मैंने बजाई, सिर्फ मैंने अपने दिमाग से कुछ नहीं बजाया हुआ, सिर्फ स्वर संगतियां आप जान लें, समझ लीजिए, याद कर लीजिए और आप आपको लगता है ऐसे आप 2-4-10 राग अपने पक्के कर लें, जैसे राग यमन रहा और राग भैरवी रहा और राग ही आपका दरबारी कानड़ा रहा, ऐसे कुछ एक भीम पलासी रहा, तो आपको बहुत फायदा होगा। आप कभी भी कुछ भी एक से एक बेहतर कर सकते हैं। अब मैंने ये धुन को कैसे बजाया, देखिए मैंने धुन को कंपोज कैसे कर दिया। मैंने जो स्वर संगतियां आपको पिछले जो वीडियो में मैंने बताया है, राग भीम पलासी स्वर संगतियां, उसी वीडियो में आप देखें 7वें नंबर की जो स्वर संगति मैंने बताई थी, नी सा गा मा गा रे सा, मैंने पहले शुरू में यही बजाया, नी सा गा मा गा रे सा, इस फ्रेज को दो बार बजा दिया, नी सा गा मा गा रे सा, नी सा गा मा गा रे सा, इस स्थाई में इसको बजा दिया। अब अंतरे में मैंने क्या बजाया, अंतरे में मैंने 9 नंबर स्वर संगति, 10 नंबर, 12 नंबर और 6 नंबर, 4 स्वर संगतियों को मैंने जोड़ दिया उसमें, यानी अंतरा जो बनाया मैंने इस धुन का उसमें 9 नंबर, 10 नंबर, 12 और 6 नंबर स्वर संगति को जोड़ा है, चाहे आप उसमें देख सकते हैं। कैसे देखना, 9 नंबर क्या थी, ग म प नि प नि सा, और 10 नंबर क्या थी, नी सा गा रे सा, इसको जोड़ा, इसको मैंने डबल कर दिया है, नी सा, सॉरी, ग म प नि प नि सा, नी सा गा रे सा, इस धुन को, यानी कि इस फ्रेज को दो बार बजा दिया मैंने। और फिर क्या जोड़ दिया, 12 नंबर स्वर संगति देखें, सारे सा, सारे सारे सा नी धा पा, और जो 6 नंबर स्वर संगति थी उसमें क्या मैंने जोड़ा, धा पा मा पा गा मा गरे सा, और गरे गारे सा को और ऐड कर दिया, क्योंकि गारे सा इसकी पकड़ का एक मुख्य अंग है, गरे सा, तो मेरी धुन तैयार हो गई है और मैं किसी भी भजन गीत के बीच में इसको आसानी से प्ले कर सकता हूँ। इस तरह की आप कम से कम 10 धुन, 10 म्यूजिक बना सकते हैं इसी वीडियो के बेस पर, इन्हीं स्वर संगतियों के बेस पर। Bye.
आप इस तरह की एक से एक बेहतर धुन बना सकते हैं, लेकिन आपको राग के चलन, राग की स्वर संगतियां, ये तो आपको सीखनी पड़ेगा। तो राग बहुत इम्पोर्टेंट है, हर फिल्मी गीत हो चाहे कोई भी गीत हो, हर राग पर बेस्ड है। और जो बड़े बड़े म्यूजिक कलाकार होते हैं वो दिमाग में ये टच करके रखते हैं ये कौन से राग पर आधारित है, ताकि वो उसमें जो उनके पास जो पहले से तैयार किया हुआ जो मटेरियल्स उनके पास रखा हुआ माइंड में, उसको वो बाहर निकालें और बजा सकें। दोस्तों इस तरह से आप जरूर सीखें, अभ्यास करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।